आज की क्लास में हम देखेंगे कि पीएचपी का जो ज़ैम्प कंट्रोल पैनल है उससे हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग डेटाबेस एंड टेबल्स इन MySQL। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ज़ैम्प का कंट्रोल पैनल है मैंने ओपन कर रखा है, और ज़ैम्प का सर्वर अपाचे का और MySQL का सर्वर भी मैंने कर दी है। दोनों पोर्ट नंबर पर एक्टिवेटेड है, दोनों का स्टेटस जो है रनिंग दिख रहा है, यानी दोनों सर्वर जो है रनिंग स्टेटस में है। यहाँ हमारा लोकल डायरेक्टरी जो इसकी दिख रही है वो है डी के अंदर सैम पोर्ट। हम यहाँ पर लोकल होस्ट जब ओपन करेंगे तो हमें इसका डैशबोर्ड डिस्प्ले होगा, और डैशबोर्ड में लास्ट में यहाँ पर दिया होता है पीएचपी माई एडमिन। इस ऑप्शन के द्वारा हम MySQL के कंट्रोल पैनल को या एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। इसको डेटाबेस सर्वर भी कहा जाता है। मैंने डेटाबेस सर्वर के बारे में कुछ जिक्र भी किया था कि डेटाबेस सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो अपने क्लाइंट्स के डेटा को मैनेज करता है या उनके डेटा को स्टोर करके रखता है। डेटाबेस सर्वर है जो MySQL है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि पीएचपी माई एडमिन का जो पैनल है उसमें लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको डेटाबेस की लिस्ट दिखाई देती है। ये सारे डेटाबेस जो है पहले से बने हुए हैं। कुछ डेटाबेस जो होते हैं वो आपके एडमिन पैनल के लिए पहले से ही बने होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन स्कीमा टेबल है पहले से ही बना होता है। इसमें आपकी सारी एसक्यूएल से रिलेटेड सारी जानकारी होती है और ये पहले से इसमें बने बनाए रहते हैं, इनबिल्ट रहते हैं, इनको हमको बनाने की जरूरत नहीं होती। कुछ टेबल्स आप देख पा रहे होंगे कि इनबिल्ट होते हैं, जैसे ये टेबल हमारे द्वारा बनाया गया है, क्लियर है। तो ये टेबल हम यूजर डिफाइंड डेटाबेस को भी बना सकते हैं, टेबल को भी बना सकते हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल को या डेटाबेस को कैसे बनाएंगे, क्लियर है। तो माई एडमिन में जाने के बाद हमको ये जो पैनल दिख रहा है इसमें यहाँ पर न्यू ऑप्शन दिखाता है, इससे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। याद रखना है आपको सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस के अंदर ही टेबल बनेगा। यानी कोई आप इस सर्वर पर 10 वेबसाइट चला रहे हैं तो 10 डेटाबेस ऐसे बनेंगे। वेबसाइट्स चला सकते हैं, तो अगर इस सर्वर पर 10 वेबसाइट चला रहे हैं तो 10 डेटाबेस बनते हैं। हर वेबसाइट के लिए अलग अलग डेटाबेस होता है और अलग अलग एक डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे। देखना है इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेटाबेस जो होता है कलेक्शन होता है टेबल का कलेक्शन होता है। टेबल में रो और कॉलम्स होते हैं, रो कॉलम जहां मिलते हैं वो सेल होता है, और सेल के अंदर हमारा डेटा होता है और हर डेटा का डेटा टाइप होता है। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इसका एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं। जैसे मैं आपको यहां पर डेटाबेस का एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे कि डेटाबेस एक टेबल के फॉर्म में होता है। कोई भी जो डेटाबेस है वो टेबल के फॉर्म में ही रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक्सेल ओपन किया है, हालांकि ये एक्सेल है लेकिन मैं इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दे रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं कि ये टेबल है, और वैसे ही अगर सेम ऐसा ही एक और टेबल यहाँ पर होता है यहाँ पर दो टेबल हैं, एक टेबल ये है और दूसरा टेबल ये है, तो ये दो टेबल का जो कलेक्शन होगा इन दोनों को हम बोलेंगे डेटाबेस। डेटाबेस में टेबल्स का कलेक्शन होता है और एक टेबल्स में क्या होते हैं रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होता है, जिसको हम रो बोलते हैं ना वो रिकॉर्ड्स कहलाता है, और एक रिकॉर्ड एक पर्सन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ये रोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रमेश को, किसे एक रिकॉर्ड जो है एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रिकॉर्ड है और ये रो भी कहलाता है, ये कॉलम कहलाता है। ये दोनों डेटा जहाँ पर ये दोनों रो और कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। सेल पर एक जो है डेटा होता है और हर डेटा का अलग अलग डेटा टाइप हो सकता है, क्लियर है।
ये नंबर है, ये टेक्स्ट है। तो इस तरीके से हमको डेटा टाइप को बहुत महत्व देना है डेटाबेस में। तो सबसे पहले डेटाबेस बनेगा, फिर टेबल्स बनेंगे, टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स आएंगे, रिकॉर्ड्स आने के लिए डेटा टाइप बहुत महत्वपूर्ण होगा। रिकॉर्ड्स बिना डेटा टाइप के डेटाबेस में नहीं आते हैं, और जो डेटा टाइप हमने डिफाइन किया है उसी डेटा टाइप को ही वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देता है। यानी कि डेटाबेस के रूल को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो वो हमारा डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने कई बार देखा होगा कि आप फॉर्म भरते हैं और आपको जैसे परसेंट मांगा गया है कि 70% होना चाहिए, और आप परसेंट मान लीजिए 65 है और आप देते हैं तो डेटा एक्सेप्ट नहीं होता है। वो सब चीजें डेटाबेस के थ्रू की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल बताया, हम यहाँ पर डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लोकल होस्ट ओपन कर लेता हूँ। न्यू में हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा डेटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। पहले से ये सारे डेटाबेस बने हुए हैं और देख पा रहे हैं कि ये सारे डेटाबेस यहाँ पर बने हुए हैं। अब मैं यहाँ पर एक नया डेटाबेस बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं साइंस स्टूडेंट। याद रखना कहीं पर भी गैप नहीं देना है आपको, ठीक है। साइंस स्टूडेंट मैंने नाम रखा और यहाँ पर मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो आप जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइंस स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। जब इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। जैसे इसमें प्लस पे क्लिक करने पर एक टेबल दिख रहा है, इसके अंदर कोई टेबल नहीं है, ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हो गया है, क्लियर है। अब आपको करना क्या है कि इसके अंदर, जैसे इसमें मैंने क्लिक किया तो कोई टेबल नहीं है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल ऑप्शन दे रहा है, मैं पहला टेबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट में कितने रो कितने कॉलम चाहिए आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे 4 कॉलम चाहिए, मैं यहाँ पर गो पे क्लिक करूंगा, सर्वर पे डेटाबेस क्रिएट हो रहा है मेरा, और ये उसका पैनल है। मैं स्टूडेंट नेम के लिए पहले ले लेता हूँ स्टूडेंट नेम। उसका डेटा टाइप आपको बताना बहुत जरूरी है, याद रखना डेटा टाइप आप सही नहीं बताओगे डेटा टाइप आपको यहाँ बताना बहुत जरूरी है। याद रखना कि वेयर केयर और टेक्स्ट जो है सेम होते हैं, तो आप टेक्स्ट लीजिए या वेयर केयर ले लीजिए। ये आप सेकंड मतलब बीबीएमएस पढ़ेंगे ना तब उसमें आपको पता चलेगा कि वेयर केयर क्या होता है। एक्चुअली टेक्स्ट के लिए वेयर केयर लिया जाता है। इसकी लेंथ भी आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे 10 ले लिए तो इसका मतलब है कि किसी का नाम जो है वो 10 कैरेक्टर्स तक लेगा। ये जैसे मैं किसी का नाम लिया मोहन, ये कितने कैरेक्टर्स हुए 5, और उसके बाद कुमार 11 कैरेक्टर्स हो गए, क्योंकि ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करेगा वो, तो सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू स्टोर करेगा, आर को स्टोर नहीं करेगा। ये उसकी लेंथ से पता चलता है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 20, कोई भी नाम बड़ा नाम हो तो भी उसको कलेक्ट कर ले। उसके बाद ये डिफॉल्ट वैल्यू जो है इसको हम अभी छोड़ देते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है आप नहीं देते हैं तो क्या आएगा उसका कलेक्शन में, एट्रीब्यूट्स वगैरह ये सब नल वैल्यू के बारे में भी छोड़ देते हैं फिलहाल, वो डीबीएमएस का पार्ट है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर लेते हैं हम रोल नंबर। तो रोल नंबर जो होगा वो हमारा क्या होता है, नंबर होता है। नंबर को हम इंटीजर से यहाँ पर ले सकते हैं, और यहाँ पर रोल नंबर की जो साइज है वो हम ले सकते हैं 3। वैसे ही यहाँ पर एज मैंने लिया 3, और ये मैंने लिया परसेंट, परसेंट को भी मैंने ले लिया यहाँ पर 3। ये साइज आपकी बताता है कि आपको कैसा वैल्यू चाहिए। उसके बाद ये पूरा करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर सेव करूंगा तो अगर आपको SQL का नॉलेज है तो आप यहाँ से SQL की क्वेरी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि आप अपनी SQL टेबल क्रिएट करने के लिए एक्चुअली हमें ये कमांड लिखना होता है, लेकिन ये कमांड हमें लिखना ना पड़े इसलिए यहाँ पर जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारे लिए खुद कमांड लिख देता है। असल में टेबल डेटाबेस में क्रिएट करने के लिए ये कमांड लिखना होता है, उसको SQL कमांड या SQL की क्वेरी कहा जाता है। तो ये कमांड हमको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छा इंटरफेस हमको मिला, यहाँ पे क्लिक करते ही वो खुद ब खुद कमांड लिख देता है। जैसे ही सेव करूंगा तो उस कमांड को रन कर देगा, यहाँ पर लोड होगा और एक टेबल क्रिएट कर दिया है उसने, और कुछ यहाँ पर
एरर आया है, कुछ प्रिविलेज का एरर है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेबल क्रिएट हो गया है। हालांकि प्रिविलेज का एरर जरूर आया लेकिन टेबल क्रिएट हो गया था, प्रिविलेज हम उसको नहीं दिए डेटाबेस को यहाँ पर। स्ट्रक्चर में आपको देख पा रहे होंगे कि आपके पास चार कॉलम है और यहाँ पर कोई भी डेटा या रिकॉर्ड नहीं है। जैसे मैंने अभी दिखाया था ये वाला रिकॉर्ड, आपके पास कोई भी रिकॉर्ड या डेटा नहीं है, जैसे मोहन और ये एक रिकॉर्ड है, ऐसा रिकॉर्ड यहाँ पर एक भी नहीं है। तो रिकॉर्ड को यहाँ पर जो वैल्यू होती है ना वो कॉलम वाइज नहीं आती बल्कि रो वाइज इंसर्ट की जाती है। कुछ रूल्स होते हैं डीबीएमएस के, वो डीबीएमएस का जब आप कंसेप्ट क्लियर है या फिर डीबीएमएस के बारे में आप जानेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डेटाबेस की खासियत ये होती है कि इसमें जो वैल्यूज आती हैं वो ऐसा हॉरिजॉन्टल फॉर्म पर आती है, वर्टिकल फॉर्म पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं आती है, रूल होता है। तो एक वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए या एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट। इंसर्ट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो जो भी है आपका स्टूडेंट नेम, एज, परसेंट, उसका डेटा टाइप भी यहाँ डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे फंक्शन दिखाएगा कि आपको कैसी वैल्यू लेनी है कैसी नहीं लेनी है। और ये अपने आप में एक बड़ा फील्ड है, इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं। स्टूडेंट नेम में यहाँ पर ले लेता हूँ मोहन, उसका रोल नंबर लेते हैं 101, एज लेते हैं उसका 22, परसेंट लेते हैं 69 और गो पे क्लिक करेंगे तो हमारा कमांड लिख देता है। एक्चुअली डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए, कोई नया चीज लाने के लिए, नए रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए ये कमांड लिखना होता है हमको। लेकिन ये जो हमको MySQL का कंट्रोल पैनल है ये हमको एक सुविधा देता है कि ये कमांड वो खुद लिख देता है, बस हम वहाँ पे वैल्यू देते हैं और ये कमांड खुद ब खुद वो लिख देता है। अब जब हम यहाँ पर इसको गो करेंगे तो ये कमांड रन होगा। असल में डेटाबेस में ये कमांड्स रन होते हैं, एक्सेल में हम डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। तो क्लिक करते ही यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आया है वन रो इंसर्टेड, ये हमारा वन रो इंसर्टेड है। और कितना समय लगा इसमें इंसर्ट करने में और क्या उसकी क्वेरी थी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, वैल्यूज, क्वेरी को भी हमको दिखा देता है। अब जब हम स्टूडेंट में जाएंगे तो हमको यहाँ पर ये वैल्यूज दिखाई देंगी, क्लियर है, ये वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, इसमें दो बार वैल्यू इंसर्ट हो गई है। इसी तरीके से आप फिर से इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेता हूँ 102, देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फिर से एक बार क्वेरी तो दिखा रहा है, फिर वो करने पर दोबारा वो वैल्यू एंट्री ले लेगा। अब जब आप यहाँ पर जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर फिर से सोहन की दो बार एंट्री ले ली। इस तरीके से वो जो टेबल क्रिएट हो रहा है, टेबल की वैल्यूज जो है वो यहाँ से हम इंसर्ट कर पा रहे हैं। हमको तो यहाँ पर डेटाबेस सबसे पहले मेंटेन करना होता है एडमिन पैनल से। एडमिन पैनल से डेटाबेस मेंटेन करने के बाद ये सारा डेटा जो है आपकी वेबसाइट पर डिस्प्ले होता है। जैसे आप यहाँ पर अपना मार्कशीट देखते हैं, अपना रोल नंबर देखते हैं, आपको मार्क्स दिखाई देने लगते हैं। तो सर जो यूनिवर्सिटी का सर्वर होता है उसमें ऐसा टेबल बना होता है, टेबल में आपका नाम, आपका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, आपका सारी डिटेल्स लिखी होती है और इसके बाद यहाँ पर पूरे आपके मार्क्स लिखे होते हैं। तो ये डेटा उठ के आपको दिखाई देता है वेब पेज पर, सिर्फ अपना ही डेटा देख सकते हैं, दूसरे का डेटा नहीं देख सकते जब तक आपको अलाउ ना किया जाए। तो अभी हम जो यहाँ पर डेटाबेस देख पा रहे हैं ये हम सर्वर के एडमिन पैनल की तरह से देख पा रहे हैं, यानी यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ सर्वर पे बैठा हुआ पर्सन हर किसी का रोल नंबर देख सकता है, हर किसी का नाम देख सकता है, हर किसी के परसेंट देख सकता है। फेसबुक का जो सर्वर होता है, फेसबुक के जो ओनर्स हैं वो आपके हर मैसेज को, हर एक्टिविटी को ऐसा देख पाते हैं टेबल के फॉर्म पर। जब आप अपने मोबाइल पर लॉगिन करते हैं तो सिर्फ आपका ही डेटा आपको दिखाई देता है, दूसरे का डेटा आपको दिखाई नहीं देता।
तरीके से हमने आज देखा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अब ये तो बहुत बड़ा एरिया है कि डेटाबेस को कॉपी करना, बैकअप करना, रिस्टोर करना, डेटाबेस डिलीट करना, टेबल को कॉपी करना, डिलीट करना, ऐड करना, अपडेट करना, कॉलम को मॉडिफाई करना, कई प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। अभी फिलहाल हम डेटाबेस बनाएंगे और इस डेटा को पीएचपी के द्वारा, ये डेटा अगर मुझे वेब पेज पर भेजना है तो उसके लिए मुझे पीएचपी का सहारा लेना पड़ेगा। तो पीएचपी का कोड यहाँ पर क्रिएट करने की भी सुविधा दी जाती है, डेटाबेस को पीएचपी तरीके से यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए पीएचपी का कोड यहाँ पर लिख दिया है, ये कोड जैसे पीएचपी में मैं लिखूंगा तो ये टेबल पूरा का पूरा उठ के मुझे वेब पेज पर दिखने लगेगा। इस तरीके से हम यहाँ पर पीएचपी के कोड को भी जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा डेटाबेस को क्रिएट करना और उसके बाद फिर हम कनेक्टिविटी देख पाएंगे, कनेक्टिविटी तभी कर पाएंगे जब डेटाबेस होगा हमारे पास।